जी हाँ, पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई के बाद करोड़ों लोग दुविधा में हैं। हर किसी के मन में सवाल यही उठ रहा है कि वो पेटीएम का इस्तेमाल करें या ना करें। एक एक करके उन सवालों के जवाब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं? तो इस सवाल के दो जवाब है, नहीं भी और हाँ भी। अगर आपने अपने पेटीएम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट लिंक किया है तो आप यूपीआई के जरिए लेन देन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेटीएम किसी और बैंक के अकाउंट से लिंक्ड है तो आप यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि वॉलेट में जो पैसे हैं उसका क्या होगा? तो 29 फरवरी से पहले वॉलेट में मौजूद पैसा या तो खर्च कर लें या उसे दूसरे वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हालांकि 29 फरवरी के बाद वॉलेट में रखे पैसों का इस्तेमाल बिजली और टेलीफोन के बिल चुकाने में आप कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये कि क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीव कर पाएंगे? तो हम आपको बता दें कि जो दुकानदार पेटीएम के जरिए भुगतान की रकम पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रिसीव करते हैं वो 29 फरवरी के बाद से पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। अब चौथा सवाल, फूड और फ्यूल से जुड़े सब वॉलेट्स का क्या होगा? तो सब वॉलेट में जो कैश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अब उसमें नया फंड आप नहीं जोड़ पाएंगे। सवाल ये कि पेटीएम फास्टैग का क्या होगा? तो पेटीएम फास्टैग की बजाय दूसरी कंपनियों का फास्टैग लेना होगा और मौजूदा पेटीएम फास्टैग को डीएक्टिवेट करना होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट का क्या होगा? तो 29 फरवरी के बाद ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे।